हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 16% तक पहुंच गया है। 1 जनवरी को प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 474 थे, जो कि बढ़कर 14,918 तक पहुंच गए। 249 मरीज मेडिकल कॉलेजों में भर्ती हैं। 249 मरीजों में से 2 आईसीयू में, 115 मेडिकल कॉलेजों में निगरानी में है। ये पूरी जानकारी हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार 60,000 किट तैयार कर रही है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों में डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोविड के केसेस जो हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं, और ये आंकड़ा जो है वो ये 15,000 को छू रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो बढ़ा है, परंतु हॉस्पिटलाइजेशन जो है, सुखद बात यह है कि वो उसका दर जो है वो बहुत कम है। लेकिन चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि इतनी तेज गति से केसेस का बढ़ना और संक्रमण का जो है इतनी तेज़ी से फैलना, ये निश्चित तौर से चिंता का विषय है। मामले बढ़ रहे हैं, और हालांकि आइसोलेशन में लोगों को होम आइसोलेशन के लिए प्रेफरेंस जो है वो दी जा रही है, तो अब तक कितने होम आइसोलेट लोग हैं और कितने हॉस्पिटलाइज हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक ऑक्सीजन का प्रश्न है, और जब फर्स्ट वेव थी और सेकंड वेव से जब हम गुजरे, तब भी ऑक्सीजन की कमी हिमाचल प्रदेश में नहीं आई, बल्कि ऑक्सीजन जो है हम निर्यात करने की स्थिति में थे। एक फैसला हमने लिया था जिसमें दिल्ली सरकार की मांग पर हमने ये तय किया था कि वहाँ पर हम ऑक्सीजन भेजेंगे। तो ऑक्सीजन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कभी कोई कमी नहीं रही है, और आज तो हम बहुत सक्षम हैं। 48 जो है हमारे पास PSA प्लांट्स हैं, जो अच्छी क्षमता के हैं। तकरीबन 500 PSA क्षमता से ऊपर के प्लांट्स हैं अधिकतम, और इतनी बड़ी संख्या में PSA प्लांट्स का होना और अधिकांश हॉस्पिटल्स का जो है वो वहाँ पर ऑक्सीजन लाइन जो है उसको स्थापित करना, मेंटेन करना और चालू करना, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। वही सर, देखें, हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। इसके चलते जो है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लोग जो है बाहर से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। पर्यटक काफ़ी ज़्यादा संख्या में हिमाचल प्रदेश में आते हैं, तो क्या पाबंदियों को लेकर जो है वो कोई फैसला लिया जा सकता है? अभी तो फिलहाल, क्योंकि ऐसा कोई, मुझे लगता है कि कड़ी बंदिशें जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होंगी। सामान्य मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि सख्त पाबंदियां जो हैं वो समाधान नहीं है। उन्होंने एक बात कही है और शुरू से ये बात हम कहते आ रहे हैं कि पाबंदियां जो हैं शायद वो समाधान नहीं है, लेकिन अगर समाधान है तो फिर सावधानियां जो हैं वो समाधान है, और अगर सावधानियां हम रखेंगे तो फिर संक्रमण जो है उसकी उसको फैलने से जो है रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।